घरेलू उपाय में आपका स्वागत है। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो इससे बचने के लिए हम कुछ खास आहार के बारे में आज बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे आहार के बारे में जिससे आपके बाल सफेद होने से रुक सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। पहले समय में बढ़ती उम्र के कारण लोग के बाल सफेद होने लगते थे, लेकिन अब यह समस्या कम उम्र में होने लगी है। इसका सबसे बड़ा कारण खान पान में बदलाव और तनाव है। आज हम आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे चीजें शामिल करने के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप सफेद बालों की समस्या से बच सकते हैं। अगर आप सबसे पहले तो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से बालों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिससे सफेद बालों की समस्या हो जाती है। अगर शरीर में कॉपर की कमी है तो बाल सफेद हो जाते हैं। शरीर में कॉपर की कमी दूर करने के लिए आप स्वीट थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चॉकलेट खा सकते हैं। मछली, सफेद बाल की समस्या से बचने के लिए समुद्री मछली का सेवन करें। यह जो कि हार्मोन को संतुलन करती है और बालों को सफेद होने से बचाती है। स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी पाया जाता है जो कोलेजन को बचाता है। इससे सफेद बालों की समस्या दूर होती है, इसलिए रोजाना स्ट्रॉबेरी का सेवन करें। अखरोट और बादाम, बादाम में भरपूर मात्रा में कॉपर और विटामिन ई पाया जाता है। अगर सुबह के नाश्ते में बादाम का सेवन किया जाए तो बालों को सफेद होने से बचाया जा सकता है। आंवला, बालों को सफेद होने से बचाने के लिए आंवला सबसे ज्यादा अच्छा उत्पाद माना जाता है। आंवला बालों को काला करने और उन्हें असमय सफेद होने से रोकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जान गए होंगे कि असमय बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए कौन-कौन से डाइट हमको खाने चाहिए जिससे आपके बाल सफेद होने रुक जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।